महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ओबीसी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में राहत देने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने ओबीसी एसबीसी विमुक्त जाति और भटके हुए जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये फैसला लेते हुए सरकार ने इन विद्यार्थियों के लिए शुल्क शिक्षा और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में वार्षिक आय की शर्त को समाप्त कर दिया है। इससे पहले इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता था जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती थी, लेकिन अब आय की शर्त हटाए जाने से उन विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके माता पिता की आय 8 लाख से अधिक है। अब विद्यार्थियों को केवल नॉन क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ये फैसला राज्य के ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। ओबीसी समाज ने सरकार से इस क्रांतिकारी फैसले का स्वागत किया है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे और उनकी शिक्षा में बाधाएं कम होगी। सरकार का यह फैसला, ये कदम बहुजन के हित में आया है और महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे समाज के कई वर्गों को लाभ मिलेगा।